गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। ये है हाइब्रिड ज्योमेट्रिक्स, ठीक है? तो इसमें मैं आपको नोट्स भी बताते जाऊंगा, आप हाथों हाथ इससे नोट्स को लिखते जाना। तो पहला जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज, वो है हाईवे ज्योमेट्रिक डिजाइन, ठीक है? हाईवे ज्योमेट्रिक डिजाइन। तो इसका जो कंटेंट रहेगा ये वो क्या क्या रहेगा, ठीक है? इसका जो कंटेंट रहेगा वो क्या रहेगा, पहले हम इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन जानेंगे, ठीक है? फिर सेकंड में हम डिस्कस करेंगे कि हाईवे ज्योमेट्रिक एलिमेंट्स क्या क्या होता है, ठीक है? हाईवे ज्योमेट्रिक एलिमेंट्स क्या क्या होता है, हाईवे ज्योमेट्रिक एलिमेंट्स क्या क्या होता है। फिर हम डिस्कस करेंगे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग ज्योमेट्रिक डिजाइन, फैक्टर्स अफेक्टिंग ज्योमेट्रिक डिजाइन, क्या क्या फैक्टर जो कि अफेक्ट करते हैं ज्योमेट्रिक डिजाइन के। उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे हाईवे क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट, हाईवे क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स। उसके बाद हम लोग बात करेंगे हाईवे क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स के बाद हम लोग चलेंगे उसके बाद हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में जाएंगे। उसके बाद हम लोग जाएंगे हॉरिजॉन्टल। इसके पहले हम लोग साइड डिस्टेंस पर डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम लोग साइड डिस्टेंस पर डिस्कस करेंगे। साइड डिस्टेंस पे फिर हम लोग जाएंगे हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट पे, फिर वर्टिकल अलाइनमेंट में, फिर जाएंगे हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट हो गया, वर्टिकल अलाइनमेंट हो गया। बस ये तीन चीज हुआ, एक हाईवे क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट हो गया, साइड डिस्टेंस हो गया, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट हो गया, वर्टिकल अलाइनमेंट हो गया। यहाँ तक हम लोग पढ़ेंगे। अब क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग इसमें ये डिस्कस कर लेते हैं। हाईवे ज्योमेट्रिक एलिमेंट्स, अब हम बात करते हैं। पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन, ठीक है? पहला क्या है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, तो हाईवे ज्योमेट्रिक डिजाइन होता क्या? ज्योमेट्रिक मतलब होता है जो भी विजिबल फीचर होता है। तो ज्योमेट्रिक मतलब क्या हो गया, ज्योमेट्रिक का मतलब, ज्योमेट्रिक डिजाइन मतलब विजिबल फीचर जो भी है, जो भी विजिबल फीचर्स है, जो भी विजुअल फीचर्स हैं उनका डिजाइन, ठीक है? उनका डिजाइन करना, ठीक है? जो भी विजुअल फीचर है उनका डिजाइन। अब हम लोग, इम्पोर्टेंस क्या है, तो हाईवे ज्योमेट्रिक डिजाइन का इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हम इम्पोर्टेंस है हाईवे ज्योमेट्रिक डिजाइन। तो हाईवे ज्योमेट्रिक डिजाइन इसलिए इंपॉर्टेंट है, देखिए पहले तो विजिबल फीचर्स क्या है कि अगर आप हाईवे में जाते हैं या किसी भी रोड पे जाते हैं तो रोड पे आपको क्या दिखता है, रोड पे जिस पे आप चल रहे हैं वो रोड होता है, उसके साइड में कुछ दूरी जगह छोड़ी जाती है उसको हम लोग शोल्डर्स कहते हैं। फिर उसके बाद रोड पे आपको सफेद सफेद रंग की पट्टियां दिखी रहती है जो पेंट की हुई रहती है, वो रोड मार्जिन मार्किंग्स हो गया। फिर रोड पे आपको दिखता है फुटपाथ दिखता है, रोड के बगल में आपको
ड्रेनेज दिखता है, यानी कि बगल से नाला गुजरा हुआ दिखता है, पानी का नाला रहता है। उसके बाद आपको रोड पे क्या दिखता है, उसके बाद आपको रोड पे दिखता है साइकिल ट्रैक हो गया, वो हो गया। उसके बाद रोड पे आपको दिखता है जो हॉरिजॉन्टल कर्व है, हॉरिजॉन्टल कर्व मतलब जो घुमाव आता है, वो घुमाव आ गया। फिर उसके बाद चढ़ान आता है, ढलान आता है, ये सब क्या है, ये सब क्या है, इसका चढ़ान और ढलान क्या हो गया, उसका कर्व्स हो गया, जिसको हम लोग वर्टिकल कर्व्स कहते हैं, वर्टिकल अलाइनमेंट कहते हैं, घुमाव को हम लोग हॉरिजॉन्टल कर्व कहते हैं। तो ये सब आता है क्या चीज, ये सब सब विजिबल फीचर्स होते हैं, ये सब दिखता है रोड पे। तो यही सब होता है ज्योमेट्रिक डिजाइन। तो इम्पोर्टेंस क्या होता है ज्योमेट्रिक डिजाइन का, तो ज्योमेट्रिक डिजाइन का अगर हम लोग बढ़िया से ज्योमेट्रिक अगर डिजाइन करते हैं, या हमारा ज्योमेट्रिक डिजाइन अगर बढ़िया होता है, तो वो क्या करता है, वो प्रोवाइड करता है ऑप्टिमम एफिशिएंसी किस चीज में, ट्रैफिक के सेफ ऑपरेशन में, ट्रैफिक के सेफ ऑपरेशन और उसके ऑप्टिम और उसके एफिशिएंसी को ऑप्टिमाइज करता है क्या, अच्छा से अगर हम लोग ज्योमेट्रिक डिजाइन करते हैं तो। इसका इंपॉर्टेंस क्या हो गया, टू प्रोवाइड ऑप्टिमम एफिशिएंसी, टू प्रोवाइड ऑप्टिमम एफिशिएंसी, टू प्रोवाइड ऑप्टिमम एफिशिएंसी टू ट्रैफिक ऑपरेशंस, टू ट्रैफिक ऑपरेशंस विथ मैक्सिमम सेफ्टी, विथ मैक्सिमम सेफ्टी एट रीजनेबल कॉस्ट, एट रीजनेबल कॉस्ट, ठीक है, ये इसका इंपॉर्टेंस हो गया। अब ज्योमेट्रिक डिजाइन में क्या क्या आता है, ज्योमेट्रिक डिजाइन में क्या क्या आता है, ज्योमेट्रिक डिजाइन डील्स विथ, अब ज्योमेट्रिक डिजाइन किस चीज से डील करता है, ठीक है, ज्योमेट्रिक डिजाइन डील्स विथ। तो पहले हम बता दिए थे कि जो भी चीज आपको दिखता है, जैसे रोड पे जो आपको रोड पे जिस पर चलते हैं वो पेवमेंट या कैरिजवे, उसके बगल में उसका शोल्डर हो गया, फुटपाथ हो गया, साइकिल का ट्रैक हो गया, ये सब क्या हो गया, रोड पे होने वाली घर्षण हो गई, यानी फ्रिक्शन हो गया, ये सब क्या चीज है, ये सब उसके क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स में आते हैं। ये सब क्या आते हैं, उसके क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट, क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट। ऐसे भी अगर आपने ज्योमेट्रिक पढ़ा होगा, तो क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को बीच से काट के देखने पे वो कैसा लगता है, उसको क्रॉस सेक्शन कहते हैं। तो क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स। दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया साइट डिस्टेंस, हो गया साइट डिस्टेंस हो गया। तीसरा हो गया हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, तीसरा हो गया हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, चौथा हो गया वर्टिकल अलाइनमेंट, और पांचवा क्या है, इंटर सेक्शन एलिमेंट, इंटरसेक्शन एलिमेंट्स, ठीक है। ये सब हो गया ज्योमेट्रिक डिजाइन किस चीज से डील करता है। तो पहला था हमारा इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन हमने कंप्लीट कर लिया। सेकंड में ज्योमेट्रिक डिजाइन किस किस चीज से डील करता है वो, ठीक है। तो हाईवे ज्योमेट्रिक एलिमेंट्स क्या क्या होता है वो हमने बात की। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग ज्योमेट्रिक डिजाइन, ठीक है, क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तीसरा क्या चीज लिखिएगा, तीसरा लिखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग ज्योमेट्रिक डिजाइन, ठीक है, कौन कौन सा फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है ज्योमेट्रिक डिजाइन को। तो पहला जो फैक्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिसको हम लोग एक लिखेंगे, जिसको ए से डिनोट करेंगे, वो क्या है, ये है हमारा डिजाइन स्पीड, ठीक है। तो सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इट इज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि आखिर रोड पे चलना क्या चीज को है, रोड पे तो गाड़ियां ही चलेगी, रोड पे तो गाड़ियां ही चलेगी, तो औसत गाड़ी का क्या स्पीड रहेगा अलग अलग का, तो
उसी हिसाब से हम अपना डिजाइन स्पीड तय करेंगे। क्योंकि अगर हम किसी रोड को बना रहे हैं तो रोड का इस्तेमाल कौन करेगी, अलग अलग तरह के ट्रक्स इस्तेमाल करेंगे, गाड़ियां इस्तेमाल करेंगी, बसेस इस्तेमाल करेंगे, मोटरसाइकिल इस्तेमाल करेंगे, तो ये सब किस चीज पे, ये सब का क्या होता है, स्पीड है, एक पैरामीटर स्पीड है। तो ये हर गाड़ी अलग अलग स्पीड पे चलेगी, इसमें क्या बोलते हैं, कुछ गाड़ियां स्लो चलेगी, कुछ गाड़ियां स्पीड चलेंगी। तो हम किस स्पीड को लेके अपना रोड को डिजाइन कर रहे हैं, या कौन से स्पीड के या किस स्पीड की गाड़ियों के लिए हम रोड को डिजाइन कर रहे हैं, उसको हम लोग कहेंगे डिजाइन स्पीड। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इस पे हमारा पूरा का पूरा ज्योमेट्रिक डिजाइन हमारा इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है और इस पे सबसे ज्यादा ही क्या बोलते हैं, सारा का सारा चीज डिपेंड करता है। अब स्पीड हम डिसाइड कैसे करते हैं, ठीक है, अब स्पीड को जो डिसाइड करने का, ठीक है ना, ये जो प्रोसेस रहता है, इट इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ, ये कैसे रहता है, डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ, डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगरी, कैटेगरी और इंपॉर्टेंस ऑफ द रोड। ठीक है, या तो कैटेगरी पे नहीं तो रोड के इंपॉर्टेंस पे डिजाइन करते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ रोड। ठीक है ना, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं। अब हमारा एक एनएच है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एनएच हम लोग कहते हैं नेशनल हाईवेज को। ठीक है, अब नेशनल हाईवे जो होता है, नेशनल हाईवे का जो स्पीड होता है वो अब नेशनल हाईवे क्या होता है, नेशनल हाईवे होता है कि वैसा रोड होता है जो बड़े बड़े शहरों को कनेक्ट करने के काम में आता है। यह स्टेट हाईवे क्या होता है, जो कि स्टेट के मेजर डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करता है आपस में, साथ साथ में जो स्टेट के मेजर डिस्ट्रिक्ट हैं उनको कनेक्ट करता है किसी दूसरे नेशनल हाईवे से, तो उसको कहते हैं स्टेट हाईवे। या नेशनल हाईवे क्या होता है, जो बड़े बड़े पोर्ट्स को, एयरपोर्ट्स को और क्या बोलते हैं, बड़े बड़े शहरों को आपस में कनेक्ट करने वाले रोड्स को कहते हैं नेशनल हाईवे। तो अब जब मान लीजिए कि कोई बड़े बड़े शहरों को कनेक्ट करने वाली जो कोई रोड होगी, तो उसमें क्या, उसमें ट्रैफिक बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, तो पहले कि उसको उन रोडों को चौड़ा होना पड़ेगा, दूसरा कि क्योंकि एक शहर से दूसरे शहर में माल का आवाजाही होगा, तो अब माल जो भी सामान होगा उस सामान के आवाजाही में बहुत सारे सामान ऐसे होंगे जो कि जल्दी खराब हो जाएंगे, या बहुत सारे सामान को जल्दी से जल्दी हम पहुंचाएंगे, क्योंकि जितना जल्दी सामान डिलीवर होगा उतना ही जल्दी क्या बोलते हैं इकोनॉमी बूस्ट होगा। क्योंकि अगर सामान जितना धीरे पहुंचेगा उतना ही इकोनॉमी के नुकसान है, तो जल्दी सामान पहुंचना भी एक प्राथमिकता है, आदमी का भी जल्दी पहुंचना एक प्राथमिकता है। तो स्पीड हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। वही आप गांव वगैरह का रोड देख लीजिए, यानी कि विलेज का रोड देख लीजिए, जिसको हम लोग VR से डिनोट करते हैं, विलेज रोड। तो विलेज रोड की क्या प्राथमिकता, विलेज रोड में कोई उतना थोड़ी कोई हेवी सामान जा रहा है, उससे तो क्या हमको एग्रीकल्चर का सामान पहुंचाना है, नजदीकी कोई मंडी तक पहुंचाना है, या नजदीकी टाउन तक पहुंचाना है, या गांव के लोगों को काम करने के। तो इस रोड की कैटेगरी क्या है, ये लेस इंपॉर्टेंट रोड है। विलेज रोड क्या है, लेस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट रोड है। तो अब वेरी इंपॉर्टेंट रोड का स्पीड क्या होगा, वेरी इंपॉर्टेंट रोड का स्पीड हाई होगा, फिर विलेज रोड का स्पीड क्या होगा, लो होगा। ठीक है, इसका स्पीड क्या होगा, लो होगा। फिर साथ साथ में फिर हम लोग ये भी देखते हैं कि हमारा ट्रेन कैसा है, ट्रेन मतलब TERRAN, ट्रेन या टोपोग्राफी। ठीक है, ट्रेन या टोपोग्राफी। अब अगर हमारा प्लेन ट्रेन रहेगा, अब इस प्लेन ट्रेन क्या होता है, माउंटेनियस ट्रेन क्या होता है, स्टीप ट्रेन क्या होता है, ये लोग आगे बात करेंगे, फिलहाल के लिए यहाँ पर समझिए कि मान लीजिए कि आपका प्लेन ट्रेन यानी कि समतल भूमि है, समतल भूमि है, और एक है माउंटेनियस। ठीक है, माउंटेनियस यानी कि पर्वतीय, ठीक है, पर्वतीय जगह। ठीक है, एक पर्वतीय रास्ता है, एक समतल रास्ता है। तो समतल रास्ता रहेगा या मैदानी रास्ता, इसको आप मैदानी रास्ता भी कह सकते हैं, मैदानी भाग भी कह सकते हैं। तो समतल या मैदानी भूमि में आपका जो रोड रहेगा वो क्या रहेगा, स्ट्रेट रहेगा, यानी कि उस रोड, सॉरी बोल रहे हैं, उस जगह का जो आपको लैंड का स्लोप रहेगा वो क्या रहेगा, वो बहुत ज्यादा ऊंचा नीचा नहीं रहेगा, लमसम बराबर जैसा रहेगा। तो वहां पर क्या है, आप हाई स्पीड रोड दे सकते हैं। ठीक है, मगर अगर माउंटेनियस रोड है यानी कि पहाड़ों पर कोई रोड जा रही है, तो वहां पर आप ज्यादा हाई स्पीड रोड नहीं दे सकते। क्यों, क्योंकि तो वहां पर तुरंत तुरंत मोड़ आता है, और वहां पर क्या, अगर आप ज्यादा स्पीड की गाड़ी दीजिएगा तो बहुत हद तक चांस है क्या बोलते हैं एक्सीडेंट होने का। तो माउंटेन पे क्या होगा, स्पीड हमारा कम हो जाएगा, और प्लेन पे हमारा स्पीड ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो माउंटेन रीजन में क्या होगा, स्पीड कम होगा,
यहाँ पर क्या होगा, स्पीड लो रहेगा, यहाँ पर स्पीड हाई रहेगा। हमारा जो डिजाइन स्पीड है वो किन किन फैक्टर पर डिपेंड किया, तो ज्योमेट्रिक डिजाइन किस पे इंपॉर्टेंट डिपेंड किया, ज्योमेट्रिक डिजाइन पहला करता डिपेंड डिजाइन स्पीड पे, और डिजाइन स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये बहुत सारे ज्योमेट्रिक डिजाइन को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है, बहुत सारे ज्योमेट्रिक डिजाइन या बहुत सारे ज्योमेट्रिक एलिमेंट्स को इन्फ्लुएंस करता है, तो ये डिजाइन स्पीड है। अब डिजाइन स्पीड किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, डिजाइन स्पीड फैक्टर करता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ रोड क्या है, ठीक है, रोड की इंपॉर्टेंस पे डिपेंड करता है या कैटेगरी पर डिपेंड करता है, और दूसरा किस चीज पर डिपेंड करता है, फिर डिपेंड करता है टेरेन कैसा है या टोपोग्राफी कैसा है, उस पर भी डिजाइन स्पीड डिपेंड करता है। अब इंपॉर्टेंस ऑफ रोड के हिसाब से आप समझ गए कि जितना उच्च स्तर का रोड रहेगा उसका स्पीड उतना ही ज्यादा रहेगा, और जितना निम्न स्तर का रोड रहेगा उतना ही उसका स्पीड कम रहेगा, डिजाइन स्पीड कम रहेगा। उसी तरह से टेरेन और टोपोग्राफी, जितना समतल भूमि रहेगा उसको उतना हाई स्पीड व्हीकल को ले जा सकते हैं, जितना ऊपर नीचे यानी कि क्या बोलते हैं एरिया का या उस जगह का लोकेलिटी का स्लोप ऊपर नीचे रहेगा उतना ही वहां पर स्पीड कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो फैक्टर हुआ, ठीक है। अब डिजाइन स्पीड पे क्या क्या चीज, अब डिजाइन स्पीड किस किस चीज को इन्फ्लुएंस करता है, तो डिजाइन स्पीड इन्फ्लुएंसेस, अब डिजाइन स्पीड किस किस चीज को इन्फ्लुएंस करता है, तो डिजाइन स्पीड पहला तो इन्फ्लुएंस करता है साइट डिस्टेंस, साइट डिस्टेंस, साइट डिस्टेंस क्या होता है हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो इसमें साइट डिस्टेंस में किसको, एसएसडी को, यानी कि सेफ स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस, सेफ स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस को या स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस कह सकते हैं, और फिर क्या हो गया ओवरटेकिंग साइट डिस्टेंस, यानी कि ओवर टेकिंग साइट डिस्टेंस, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करता है, फिर ये हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट को इन्फ्लुएंस करता है, फिर हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, अब हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में किस चीज को इन्फ्लुएंस करता है, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में करता है सुपर एलिवेशन को, उसके बाद सुपर एलिवेशन के बाद ये इन्फ्लुएंस करता है एक्स्ट्रा वाइडिंग को, एक्स्ट्रा वाइडिंग को, उसके बाद ट्रांजिशन कर्व का लेंथ को, ट्रांजिशन कर्व का लेंथ को इन्फ्लुएंस करता है, उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्व को इन्फ्लुएंस करता है, फिर वर्टिकल अलाइनमेंट, फिर उसके बाद वर्टिकल अलाइनमेंट को इन्फ्लुएंस करता है, वर्टिकल अलाइनमेंट में किस चीज को इन्फ्लुएंस करता है, इसी में लिख लीजिए वर्टिकल अलाइनमेंट, वर्टिकल अलाइनमेंट, वर्टिकल अलाइनमेंट में किस किस चीज को करेगा, समिट कर्व को और वैली कर्व को, सबमिट कर्व और वैली कर्व के डिजाइन को भी इन्फ्लुएंस करता है। फिर दूसरा क्या होता है, फिर दूसरा हमारा फैक्टर है टोपोग्राफी, तो दूसरा जो फैक्टर अफेक्ट करता है टोपोग्राफी, जो सेकंड फैक्टर है वो क्या है, टोपोग्राफी है। तो ये हम आपको पहले बता चुके थे कि ज्योमेट्रिक एलिमेंट हमारा जो भी हमारा टोपोग्राफी होगा या टेरेन का कंडीशन होगा वो हमारे ज्योमेट्रिक डिजाइन को इन्फ्लुएंस करता है। तो हमारा टोपोग्राफी को हम लोग किस तरह से, ठीक है, तो टोपोग्राफी कैसे इन्फ्लुएंस करता है, टोपोग्राफी क्या होता है कि जैसे बता चुके थे पहले इससे पहले कि टोपोग्राफी के ऊपर हमारा डिजाइन स्पीड डिपेंड करेगा, तो हम तो जैसा टोपोग्राफी होगा उसी तरह से हम अपने डिजाइन स्पीड को कैलकुलेट करेंगे या डिजाइन स्पीड को हम लोग लेंगे। तो टोपोग्राफी के हिसाब से अगर हम अपना क्लासिफाई करेंगे तो देखिए टोपोग्राफी या ट्रेन, टोपो ग्राफी या टेरेन लिख लीजिएगा, ठीक है, स्लोप लिख लीजिएगा स्लोप, उसके बाद लिख लीजिएगा डिजाइन स्पीड, डिजाइन स्पीड
यहाँ रूलिंग लिख लीजिएगा, डिजाइन स्पीड रूलिंग। अब जीरो से टोपोग्राफी आपका प्लेन, टोपोग्राफी आपका प्लेन है। तो पहला टोपोग्राफी कौन सा होता है? पहला टोपोग्राफी होता है प्लेन, स्लोप कितना होता है? 0 से लेके 10%। प्लेन टोपोग्राफी का कितना होता है? 0 से लेके 10% होता है। तो इस केस में जब 0 से लेके 10% के बीच में रहेगा, तब हमारा जो डिजाइन स्पीड रहेगा, जब हमारा टोपोग्राफी प्लेन रहेगा, यानी कि इसका स्लोप कहिए या इसको हम लोग क्रॉस स्लोप भी कहते हैं, इसको हम लोग स्लोप या क्रॉस स्लोप भी कहते हैं, ठीक है? इसको हम लोग स्लोप या क्रॉस स्लोप भी कहते हैं, क्रॉस स्लोप या और स्लोप, इसको दोनों ही चीज कहते हैं। तो क्रॉस स्लोप या स्लोप कहते हैं, ये किस में होता है? परसेंटेज में होता है। जब हमारा टोपोग्राफी या टेरेन हमारा प्लेन रहेगा, तो हमारा क्रॉस स्लोप कितना रहेगा? 0 से लेके 10% के बीच में रहेगा, और हमारा डिजाइन स्पीड कितना रहेगा? 100 किलोमीटर पर आवर। जब हमारा ट्रेन रोलिंग रहेगा, तब हमारा क्रॉस स्लोप कितना होगा? 10 से लेके 25% के बीच में होगा, ठीक है? और हमारा रोलिंग डिजाइन स्पीड कितना होगा? 80 किलोमीटर पर आवर। जब हमारा टोपोग्राफी, फिर उसके बाद क्या आता है? माउंटेनियस आता है, माउंटेनियस कितना होगा? 25 से लेके 60% के बीच में, 25 से लेके 60% के बीच में रहेगा। हमारा डिजाइन स्पीड रहता है इसमें 60 किलोमीटर प्रति आवर रहता है। 50 किलोमीटर में हमारा डिजाइन स्पीड रहता है 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? फिर उसके बाद उससे भी कम होता है, उसके बाद इससे भी जब अगर हमारा कम होता है, यानी कि स्टीप में हमारा हो जाता है 40 से 40, ठीक है? उसके बाद स्टीप क्या होता है? स्टीप में होता है जब ये 60% से ज्यादा रहे, ग्रेटर देन 60% रहे, तब हमारा स्पीड कितना हो जाता है? 40 किलोमीटर पर आवर। ये किसके, ये क्या है इस टेबल को याद कर लीजिएगा, ये एज पर IRC है, ठीक है? ये क्या है? ये जो है एज पर, इसको इम्पोर्टेंट है, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है? इम्पोर्टेंट है, ये किसके द्वारा है? एज पर इंडियन रोड कांग्रेस, एज पर इंडियन रोड कांग्रेस, ये इंडियन रोड कांग्रेस के हिसाब से। अब उसके बाद तीसरा हमारा कौन सा फैक्टर आता है? तीसरा हमारा आता है ट्रैफिक फैक्टर, ठीक है? तीसरा हमारा क्या आ गया? तीसरा हमारा आ गया ट्रैफिक फैक्टर। अब ट्रैफिक फैक्टर में दो चीज आता है, ठीक है? फिर आता है, तीसरा आता है हमारा ट्रैफिक फैक्टर्स, ठीक है? ट्रैफिक फैक्टर्स में पहला आता है हमारा व्हीकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है? पहला आता है व्हीकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरा आता है हमारा रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स, रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है? तो पहला आता है व्हीकुलर कैरेक्टरिस्टिक, दूसरा आता है रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो व्हीकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? व्हीकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स में रहता है हमारा शेप ऑफ व्हीकल, कि व्हीकल का शेप कैसा है, यानी कि उसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट, उसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट हो गया, ये उसका व्हीकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। उसके बाद उसका टर्निंग रेडियस, उसका टर्निंग रेडियस कितना है, ये सब क्या है? ये सब व्हीकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उसके बाद जब हम बात करते हैं ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स, या क्या बोलते हैं, जब हम बात करते हैं रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स, जो रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आ गया? रिएक्शन टाइम क्या होता है? तो होता है, ठीक है?
वॉकिंग का स्पीड कितना है, वॉकिंग का स्पीड कितना है किसका, ह्यूमन का, ये सब आ गया रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, फिर आता है हमारा क्या, हमारा फिर चौथा आता है फिर चौथा हमारा आता है डिजाइन आवरली वॉल्यूम। ठीक है, डिजाइन आवरली वॉल्यूम, डिजाइन आवरली वॉल्यूम। अब डिजाइन आवरली वॉल्यूम क्या होता है, डिजाइन आवरली वॉल्यूम हो गया, या उसके साथ साथ क्या लिखिए, डिजाइन आवरली वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, डिजाइन आवरली वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, दो चीज हो गया, डिजाइन आवरली वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, एंड कैपेसिटी, CAPA यहां से हटा देते हैं इसको। चौथा लिख लीजिए डिजाइन आवरली वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, डिजाइन आवरली वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, चौथा लिख लीजिए डिजाइन आवरली वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। अब डिजाइन आवरली वॉल्यूम और कैपेसिटी का मतलब क्या हुआ कि प्रति घंटे में एक रोड में कितना गाड़ी आ रहा है और उस रोड में कितना ट्रैफिक आ रहा है, उसको डिजाइन आवरली वॉल्यूम कहते हैं। अब ये क्यों डिपेंड करता है, क्योंकि कितना नंबर ऑफ लेन देना, मान लीजिए कि आपको एक लेन का रोड बनाना है, दो लेन का रोड बनाना है, चार लेन का रोड बनाना है, आप कैसे पता कीजिएगा, ये आप पता कीजिएगा कि आपके उस रोड में कितना ट्रैफिक आ रहा है। मान लीजिए कि आप कोई रोड बना रहे हैं, ठीक है ना, उसमें मुश्किल से प्रति एक दिन में मुश्किल से आपको 1,000 ही गाड़ी जाता है, तो उसके लिए आप चार लेन का रोड बना के क्या कीजिएगा, आप फालतू में उसमें आपका ज्यादा पैसा खर्चा होगा। मगर अगर आप मान लीजिए कि आपके किसी रोड में से प्रतिदिन आपका 20,000 गाड़ी जा रहा है, और वहां पर अगर आप क्या बोलते हैं दो लेन का रोड बना दीजिएगा, तो दिक्कत क्या होगा, फिर पीछे बहुत सारा जाम लग जाएगा, तो वहां पर आपको 5 लेन का 6 लेन का रोड आपको बनाना पड़ेगा, या 4 लेन का रोड बनाना पड़ता। तो आपका जो डिजाइन आवरली वॉल्यूम होता है वह उससे क्या पता चलता है, उससे क्या आपको कितना नंबर ऑफ लेन प्रोवाइड करना है, कितना चौड़ाई होना चाहिए रोड का, वो सब आपको किससे पता चलेगा, वो आपको उस आवरली वॉल्यूम से पता चलेगा। फिर आता है जो लास्ट फैक्टर रहता है, वो एनवायरमेंटल कंडीशन रहता है। फिर लास्ट क्या हो गया, फिर लास्ट होता है हमारा एनवायरमेंटल कंडीशन। ठीक है, लास्ट हमारा क्या हो गया, एनवायरमेंटल कंडीशन, की उस जगह पे जहां पर है वहां पर बरसात कितना हो रहा है। मान लीजिए कि अगर जहां पर अगर बरसात ज्यादा हो रहा है, यानी कि हेवी रेनफॉल का एरिया है, ठीक है ना, हेवी रेनफॉल का एरिया है, तो वहां पर क्या होगा, वहां वो बरसात ज्यादा होगा, तो आपको इस तरह से रोड बनाना पड़ेगा कि पानी आपका तुरंत आए, बरसात का तुरंत रोड से निकल जाए, क्योंकि अगर पानी ज्यादा देर रुक गया रोड पे तो क्या होगा, उससे रोड स्लिपरी हो जाएगा, तो गाड़ी कोई भी अगर ब्रेक मारेगा तो उसको ब्रेक मारने में दिक्कत होगा। फिर क्या बोलते हैं, अगर रोड ज्यादा चिकना रहा है, रोड ज्यादा गीला रहा है ज्यादा देर तक, तो उससे ट्रैफिक की सेफ्टी, यानी कि गाड़ियों की सेफ्टी के लिए नुकसानदायक हो सकता है, फिर वो रोड को भी डैमेज करेगा ज्यादा देर पानी रहने से। तो ये सब भी एक फैक्टर है जिसको हम लोग कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हाईवे क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ तक हमने क्या क्या डिस्कस किया था एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो इससे पहले अभी हमने डिस्कस किया था ज्योमेट्रिक डिजाइन क्या होता है, कि ज्योमेट्रिक डिजाइन क्या हो गया, जो जो भी विजिबल फीचर होते हैं, यानी कि जो जो चीज हमको दिखता है रोड पे, उन सबको हम लोग हाईवे की ज्योमेट्रिक डिजाइन में कहते हैं। अब उन्हीं का डिजाइन को हम लोग कहते हैं ज्योमेट्रिक डिजाइन। इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, क्योंकि ये टू प्रोवाइड एन ऑप्टिमम एफिशिएंसी टू द ट्रैफिक ऑपरेशन विथ मैक्सिमम सेफ्टी एट रीजनेबल कॉस्ट। ठीक है, कि ऑप्टिमम एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है किस चीज में, ट्रैफिक के ऑपरेशन में, और मैक्सिमम सेफ्टी देता है रीजनेबल कॉस्ट में। ज्योमेट्रिक डिजाइन में क्या क्या चीज हम लोग डिस्कस करते हैं, क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट डिस्कस करते हैं, साइट डिस्टेंस डिस्कस करते हैं, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट डिस्कस करते हैं, वर्टिकल अलाइनमेंट डिस्कस करते हैं, और इंटरसेक्शन एलिमेंट डिस्कस करते हैं। उसके बाद अब हम क्या है कि कौन कौन सा फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है ज्योमेट्रिक डिजाइन को। तो ज्योमेट्रिक डिजाइन को पहला इफेक्ट करता है डिजाइन स्पीड। तो डिजाइन स्पीड क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसकी ये डिसाइड करता है
अब ठीक है, ये किस चीज पर डिसाइड करते हैं हम लोग, ये कैटेगरी ऑफ द रोड या इम्पोर्टेंस ऑफ द रोड पे और उसके टेरेन की लोकेशंस पे हम लोग डिसाइड करते हैं। जैसे एग्जांपल नेशनल हाईवे का स्पीड, अगर नेशनल हाईवे रहेगा तो उसका स्पीड बहुत हाई रहेगा क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट रोड है, और विलेज रोड क्या है वो लेस इंपॉर्टेंट है, तो उसके कारण उसका स्पीड, डिजाइन स्पीड उसका लो रहेगा। फिर टेरेन कैसा है, अगर प्लेन यानी समतल या मैदानी इलाका रहेगा तो वहां पर स्पीड हाई रहेगा, और माउंटेनियस रीजन रहेगा या पर्वतीय इलाका रहेगा तो स्पीड लो रहेगा। डिजाइन स्पीड क्या, किन किन चीजों को इन्फ्लुएंस करता है, तो डिजाइन स्पीड इन्फ्लुएंस करता है पहला हमारा साइड डिस्टेंस को, और साइड डिस्टेंस में दो तरह का आता है, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस और एसएसडी, इन दोनों को फर्क करता है। फिर हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में असर लाता है और वर्टिकल अलाइनमेंट में। फिर उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर क्या था, टोपोग्राफी। टोपोग्राफी क्या होता है, किसी भी जगह का टेरेन का क्या स्लोप है, यानी कि क्रॉस स्लोप क्या है, या उस जगह का ड्रेनेज किधर होता है, उस चीज को देखते हैं टोपोग्राफी। तो टोपोग्राफी के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी का स्पीड रहता है, प्लेन, रोलिंग, माउंटेनियस, स्टीप के लिए अलग अलग डिजाइन स्पीड है, रोलिंग डिजाइन स्पीड। फिर उसके बाद बात करते थे, किए थे हम लोग ट्रैफिक फैक्टर का, कि व्हीकल का कैरेक्टरिस्टिक कैसे, व्हीकल का शेप, साइज, व्हीकल का जो शेप होता है या साइज होता है वो कैसे फर्क डालता है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट का क्या प्रभाव पड़ता है रोड पे, फिर रोड के टर्निंग रेडियस का प्रभाव पड़ता है, उसके बाद रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक, की ड्राइवर का क्या बोलते हैं, रिएक्शन टाइम क्या है, वॉकिंग स्पीड क्या है ह्यूमन का, ये सब की पे भी हाईवे का ज्योमेट्रिक डिजाइन डिपेंड करता है। अब हमारा मेन टॉपिक शुरू होता है क्या, हाईवे क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट। तो पहला चीज, पहला जो था हमारा हाईवे ज्योमेट्रिक डिजाइन में, तो हाईवे ज्योमेट्रिक डिजाइन का पहला भाग हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, हाईवे क्रॉस सेक्शनल, हाईवे क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट, ठीक है, हाईवे क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स। तो हाईवे क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स में पहला जो आता है, यानी कि ए जो है इसमें, वो है क्या है, पेवमेंट का सरफेस कैरेक्टरिस्टिक पेवमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स हाईवे के पहला जो आता है उसमें आता है क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट में पेवमेंट का सरफेस कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि पेवमेंट का किस तरह का सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो पेवमेंट का सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब कैसा है, कि पेवमेंट का जो सरफेस, अब देखिए आप सरफेस की बात करते हो, सरफेस मतलब क्या है, कि पेवमेंट का सरफेस कहने का मतलब क्या है, कि पेवमेंट का फ्रिक्शन, पेवमेंट का जो सरफेस है यानी कि पेवमेंट की सतह पे फ्रिक्शन किस तरह का हमको मिल रहा है उसके बारे में बात करेंगे। पेवमेंट का जो सरफेस, उससे लाइट कितना रिफ्लेक्ट हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये सब पेवमेंट का जो सरफेस है उसमें उबड़ खाबड़ यानी कि अनइवेननेस कितना है, ठीक है, यानी खुरदरापन कितना है, ये सबको, ये सब बात करेंगे क्या क्या चीज में, पेवमेंट की सरफेस कैरेक्टरिस्टिक में। तो पहला क्या चीज हो गया, तो जो इंपॉर्टेंट जो सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो गया, इंपॉर्टेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स तो क्या क्या हुआ, इंपॉर्टेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन सा हो गया, पहला हो गया, तो इन इंपॉर्टेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक क्या आया, पहला आया फ्रिक्शन, आया फिर उसके बाद आया पेवमेंट, तो पहला आया फ्रिक्शन आया, फिर अनइवननेस आया पेवमेंट, पेवमेंट रफनेस, या इसको कह सकते हैं अन इवन अनइवननेस, फिर लाइट रिफ्लेक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर लाइट रिफ्लेक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ये तीन चीज आया। क्या क्या आया, पहला आया तो इंपॉर्टेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक में क्या क्या आया, फ्रिक्शन आया, पेवमेंट का रफनेस या अनइवननेस आया, और तीसरा आया लाइट रिफ्लेक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये सब चीज है, फिर एक साथ साथ में क्या आ गया, ड्रेनेज कैसा है, फिर उसके बाद ड्रेनेज कैसा है, एक ड्रेनेज भी हम लोग हो गया। तो अब पहला बात करते हैं हम लोग फ्रिक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो अब पहली बात करते हैं हम लोग फ्रिक्शन के बारे में, तो इसी में हेडिंग लेके देखिएगा, फ्रिक्शन, ठीक है। तो पहला आता है फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन का मतलब क्या हो गया, फ्रिक्शन
घर्षण, फ्रिक्शन का मतलब क्या हो गया, घर्षण हो गया। फ्रिक्शन कब लगता है, फ्रिक्शन लगता है जब दो सरफेस आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में रहता है। तो यहाँ पर दो सरफेस कौन कौन सा हो गया, तो फ्रिक्शन यहाँ पर कहाँ किसके किसके बीच में काम करेगा, फ्रिक्शन काम करेगा बिटवीन व्हीकल टायर एंड पेवमेंट सरफेस, पेवमेंट के सरफेस के बीच में काम करेगा। तो अब ये जो होता है फ्रिक्शन, ये किस चीज को इफेक्ट डालता है, तो मान लीजिए कि अगर ज्यादा घर्षण रहेगा तो हमारे स्पीड को कम करेगा, ठीक है। और अगर बहुत कम घर्षण, मान लीजिए कि अगर पेवमेंट के सरफेस में बहुत ज्यादा रफनेस है, तो वो क्या करेगा, वो हमारे स्पीड को क्या करेगा, बहुत कम कर देगा गाड़ी के। और बहुत कम फ्रिक्शन है तो वो हमारी सेफ्टी को भी नुकसान करेगा, क्योंकि मान लीजिए कि बहुत कम फ्रिक्शन रोड पे, तो गाड़ी जब ब्रेक मारेगा तो उसको बहुत ज्यादा दूरी ट्रैवल करना पड़ेगा किस चीज के लिए, रुकने के लिए। हम क्या कर रहे हैं कि गाड़ी अगर मान लीजिए कि रोड पे बहुत कम फ्रिक्शन है, ठीक है, तो वो भी दिख खराब है, क्योंकि अगर कम फ्रिक्शन होगा बहुत, तो गाड़ी का ब्रेक मारने पे तुरंत गाड़ी रुकेगी नहीं, तो इससे क्या होगा, सेफ्टी का नुकसान है। और अगर बहुत ज्यादा फ्रिक्शन रहा तो हमारा स्पीड कम हो जाएगा। तो हमारा फ्रिक्शन ऐसा होना चाहिए कि ना तो ज्यादा हमको सेफ्टी का में दिक्कत हो, और ना ही ज्यादा हमारे व्हीकल का ऑपरेशन में दिक्कत हो, या उसके ऑपरेटिंग स्पीड में दिक्कत हो। तो हमारा जो फ्रिक्शन है वो क्या चीज क्या किस किस पर डिपेंड करता है, तो हमारा फ्रिक्शन हमारे ऑपरेटिंग स्पीड को इफेक्ट करता है। ये इट अफेक्ट जो ऑपरेटिंग स्पीड, ठीक है, यानी कि अफेक्ट किस चीज को करता है, ऑपरेटिंग स्पीड को इफेक्ट करता है, अफेक्ट ऑपरेटिंग स्पीड, अफेक्ट्स ऑपरेटिंग स्पीड, ऑपरेटिंग स्पीड में फर्क डालता है, ठीक है, एंड सेफ्टी, ऑपरेटिंग स्पीड पर सेफ्टी पर फर्क डालता है, ठीक है। तो अब फ्रिक्शन दो तरह का होता है, ठीक है ना, फ्रिक्शन जनरली दो तरह का होता है, ठीक है। तो एक फ्रिक्शन होता है हमारा लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन, ठीक है, एक फ्रिक्शन होता है हमारा लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन। तो जो लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन रहता है, इसका इसका यूज कहाँ करते हैं, इसका यूज करते हैं हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में, सॉरी, जो लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन रहता है इसका हम लोग यूज करते हैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस में, इसका यूज करते हैं हम लोग स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस में। तो लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन रहता है, तो लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन का मान होता है वो 0.35 से लेके 0.45 के बीच में रहता है, ठीक है, और इसको डिनोट करते हैं हम लोग एफ से, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन को हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। गिव द हायर द स्पीड, हायर द स्पीड लोअर विल बी फ्रिक्शन, जितना ज्यादा स्पीड रहेगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन कम, उतना कम फ्रिक्शन रहेगा। इसका यूज कहाँ करते हैं, इसका यूज करते हैं हम लोग साइट डिस्टेंस निकालने में, ठीक है, इसका यूज किस चीज में करते हैं, हम लोग साइट डिस्टेंस निकालने में यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं हम लोग साइट डिस्टेंस कैलकुलेट करने में, साइट डिस्टेंस कैलकुलेट करने में इसका इस्तेमाल करते हैं। आईआरसी के हिसाब से, इंडियन रोड कांग्रेस के हिसाब से, जो रिकमेंडेड वैल्यू होता है वो आप लिख लीजिए कि इंडियन आईआरसी के द्वारा कितना कितना वैल्यू रिकमेंड किया गया है,
यहां पर नोट में लिख लीजिएगा, आई आर सी रिकमेंडेशन। ठीक है, आई आर सी रिकमेंडेशन क्या करता है, इंपॉर्टेंट है। तो स्पीड और लॉन्गिट्यूडनल, स्पीड और लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन, स्पीड यहां पर लिख लीजिएगा किलोमीटर पर आवर में, और लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन लिख लीजिएगा इधर। स्पीड कितना है, स्पीड अगर हमारा 20 से 40 के बीच में रहेगा तो लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन क्या होगा, 0.40 होगा। 40 रहेगा तो हमारा 0.38 रहेगा, 50 पे हमारा 0.37 रहेगा, उसके बाद 60 से लेके 65 के बीच में, 60 से लेके 65 के बीच में 0.36 रहेगा, और 80 से 100 के बीच में 0.35 रहेगा। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे स्पीड बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरा लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन का मान घट रहा है। अब उसके बाद जो दूसरा आता है वो हमारा आता है लैटरल फ्रिक्शन। दूसरा आता है हमारा क्या, लैटरल फ्रिक्शन। तो लैटरल फ्रिक्शन हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं, लैटरल फ्रिक्शन हमारा आता है लैटरल फ्रिक्शन। तो लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन क्या हो गया, लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन हो गया जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो सीधे रोड पे जो आप ब्रेक लगाते हैं, तो सीधे रोड पे जब आप ब्रेक लगाए तो गाड़ी रोकने में जो फ्रिक्शन काम आया वो आपका लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन। फिर से सुनिए, जब आप गाड़ी सीधा चला रहे हैं, सीधे रोड पे आप गाड़ी चला रहे हैं स्ट्रेट रोड पे, तो स्ट्रेट रोड पे जब आप ब्रेक मारे और ब्रेक मारने के बाद आपका गाड़ी रुक गया तो उस समय जो फ्रिक्शन काम आया वो क्या आया, वो लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन आया। लैटरल फ्रिक्शन कब काम आता है, जब आप किसी भी गाड़ी को किसी घुमावदार रास्ते पे, यानी कि व्हेन यू नेगोशिएट अ हॉरिजॉन्टल कर्व, जब आप किसी भी हॉरिजॉन्टल कर्व को नेगोशिएट करते हैं या किसी भी घुमावदार रास्ते पे जाते हैं तब आपका उस समय लैटरल फ्रिक्शन काम करता है। लैटरल फ्रिक्शन किस चीज में मदद करता है, आपके गाड़ी को स्किड करने में, यानी कि तिरछा भागने में रोकने से मदद करता है, यानी कि आपकी गाड़ी को तिरछा नहीं भागने देता है, उसमें आपको क्या काम करता है, लैटरल फ्रिक्शन काम करता है, यानी कि जो लैटरल डायरेक्शन में काम करता है, यानी कि ट्रांसवर्स डायरेक्शन में। तो जो लैटरल फ्रिक्शन होता है ये किस चीज के लिए होता है, टू अवॉइड स्कीडिंग, स्कीडिंग को अवॉइड करने में, स्कीडिंग ऑफ व्हीकल, व्हीकल के स्पीड को अवॉइड करने के लिए उस समय आता है। ये कहां पर, हॉरिजॉन्टल कर्व में आता है, हॉरिजॉन्टल कर्व में आता है। लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन का जो मान रहता है वो 0.15 रहता है, ये आईआरसी के द्वारा कहा गया है, इसका मान फिक्स है 0.15। आईआरसी का कहता है, आईआरसी कहता है आईआरसी रिकमेंडेशन, आईआरसी रिकमेंड्स कितना, 0.15 लैटरल फ्रिक्शन, लैटरल फ्रिक्शन का वैल्यू। तो लैटरल फ्रिक्शन का वैल्यू कितना आईआरसी रिकमेंड करता है, 0.15। अब हम बात करते हैं स्कीडिंग का, और अब यहां पर दो टर्म आता है, एक टर्म आता है स्किड, एक टर्म आता है स्किड। ठीक है, एक टर्म आता है
स्लिप, ठीक है, स्किड और स्लिप क्या होता है यहाँ पर, ये समझ लीजिए। ये मान लीजिए कि आपका चक्का है गाड़ी का, ठीक है, अब गाड़ी का चक्का इस तरह से घूम रहा है, तो ये जो घूम रहा है इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम लोग रोटेशन, और जो गाड़ी का चक्का जो आगे जा रहा है इसको कहेंगे हम लोग ट्रांसलेशन, ठीक है ना। तो स्किडिंग कब होगा, स्किड करने का मतलब क्या चीज है कि ये जो रोटेशन है ये आपका कम हुआ है, स्किड में क्या होता है ये जो रोटेशन है जो चक्का का ये कम होगा और ट्रांसलेशन हमारा ज्यादा होगा, तो ये स्किडिंग होगा। फिर से सुनिए, स्किडिंग क्या होगा, स्किडिंग में हमारा गाड़ी का जो चक्का रहेगा वो रोटेट ज्यादा करेगा पर रोटेट कम करेगा पर ट्रांसलेट ज्यादा करेगा, यानी कि ये रोटेशन कम होगा ट्रांसलेशन ज्यादा होगा, यानी कि आगे ज्यादा जाएगा पर चक्का घूमेगा कम। और स्किडिंग में क्या होगा और स्लिप में क्या होगा, स्लिप में चक्का हमारा ज्यादा रोटेट करेगा पर आगे कम जाएगा, स्लिप में क्या होगा चक्का ज्यादा घूमेगा यानी कि रोटेशन ज्यादा होगा ट्रांसलेशन कम होगा। तो यही होता है स्किडिंग और स्लिपिंग। तो अब स्किडिंग और स्लिपिंग का, स्लिप का डेफिनेशन लिख लीजिए क्या होता है। तो स्किड ऑकर्स इट अकर्स इट अकर्स व्हेन दी स्लाइड व्हेन दी स्लाइड इट अकर्स व्हेन दी स्लाइड विदाउट रिवॉल्विंग इट अकर्स व्हेन दी स्लाइड विदाउट रिवॉल्विंग और व्हेन दी व्हील पार्शियली रिवॉल्व्स दैट इज व्हेन दी पाथ ट्रेवल्ड व्हेन दैट इज व्हेन द पाथ ट्रेवल्ड along the road surface when the path travel along the road surface when the path traveling along the road surface जिसको हम लोग ट्रांसलेशन कहते हैं, ट्रांसलेशन इज मोर देन द सर्कमफरेंशियल मूवमेंट सर्कमफरेंशियल मूवमेंट ऑफ द व्हील ड्यू टू देयर रोटेशन अब स्लिप क्या होता है, इट अकर्स व्हेन अ व्हील रिवॉल्व्स या इसको रोटेशन रिवॉल्व्स मोर देन दी करेस्पॉन्डिंग लॉन्गिट्यूडिनल मूवमेंट अलोंग द रोड
अब लिखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग पेवमेंट डिजाइन। अब लिखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग अब लिखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉरी फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन और स्किड, क्या क्या फैक्टर्स है जो कि अफेक्ट करता है फ्रिक्शन को या स्किड रेजिस्टेंस को। तो इसमें सबसे पहला जो फैक्टर है वो क्या है, ए इसमें लिखिएगा पेवमेंट का टाइप, पेवमेंट का टाइप या सरफेस, पेवमेंट का टाइप लिखिए या सरफेस लिखिए, पेवमेंट का टाइप या सरफेस लिखिए। अब इसमें क्या है, जैसे कि एग्जांपल एग्जांपल में है बिटुमिनस कंक्रीट WBM WMM एक्सेट्रा, ठीक है। अब पेवमेंट का टाइप या सरफेस कंडीशन मतलब क्या होता है कि किस तरह का पेवमेंट का टाइप है या किस तरह का पेवमेंट का सरफेस है। जैसे कि इसका एग्जांपल में क्या क्या हो गया, इसके एग्जांपल में हो गया बिटुमिनस हो गया, कंक्रीट हो गया, वाटर बॉर्न मैग्नेट हो। अब बिटुमिनस पेवमेंट का क्या है, बिटुमिनस पेवमेंट का फ्रिक्शन जो होता है वो अच्छा होता है क्योंकि इसमें ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होता है, इसका फ्रिक्शन अच्छा होता है यानी कि फ्रिक्शन का वैल्यू ज्यादा होता है। कंक्रीट में थोड़ा कम होता है फ्रिक्शन का मान, WBM और WMM में ज्यादा होता है। उसके बाद मैक्रो टेक्सचर ऑफ द पेवमेंट, ठीक है, या पेवमेंट का रिलेटिव रफनेस, पेवमेंट का रिलेटिव रफनेस कितना है। रिलेटिव रफनेस कहने का मतलब हो गया कि देखने में कितना रफनेस लग रहा है पेवमेंट के सरफेस पे, यानी कि आप देखते हैं तो लगता है ना कि हाँ ये पेवमेंट का सरफेस थोड़ा सा रफ, वो देखने से पता चल जाता है। तो वो उसका मैक्रो टेक्सचर या उसका देखने से उसका रफनेस पता चलना। फिर कंडीशन पेवमेंट का कंडीशन, कंडीशन ऑफ पेवमेंट मतलब कि वेट है या ड्राई है। तो वेट कंडीशन में फ्रिक्शन कम होगा और ड्राई कंडीशन में फ्रिक्शन ज्यादा होगा, क्योंकि तो गीला रोड में क्या होगा, घर हमको कम मिलेगा, मतलब कि जो फ्रिक्शन होगा गीला रोड में कम होगा, ड्राई रोड में जो फ्रिक्शन होगा वो ज्यादा होगा। फिर टाइप एंड कंडीशन ऑफ टायर, टाइप एंड कंडीशन ऑफ टायर। अब थ्रेड, अब जो नया जो टायर रहता है गुड टायर रहता है, गुड और वॉर्न आउट, ठीक है, वॉर्न आउट। अब नया टायर रहेगा तो नया टायर में फ्रिक्शन का मान ज्यादा रहेगा, पुराना जो टायर होगा उसमें फ्रिक्शन का मान कम होगा क्योंकि पुराना टायर ऑलरेडी बहुत ज्यादा घिसाया हुआ है इस कारण से, तो घिसाए हुए टायर में फ्रिक्शन का मान कम मिलेगा। फिर उसके बाद व्हीकल का स्पीड क्या है, जितना ज्यादा गाड़ी का स्पीड होगा उतना कम फ्रिक्शन होगा, जितना कम स्पीड रहेगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन का मान रहेगा, ये हम लोग पहले देख चुके हैं। फिर ब्रेक का एफिशिएंसी क्या है, ठीक है, मान लीजिए कि ब्रेक लगाया, अब आजकल नया ब्रेक आ रहा है ABS, ठीक है, वैसा ब्रेक रहेगा या डिस्क ब्रेक हो गया, तो वैसा ब्रेक में क्या है, तुरंत ब्रेक लगाया तुरंत का तुरंत गाड़ी रुक जाता है, तो ब्रेक का क्या एफिशिएंसी है वो चीज है। फिर लोड कितना है गाड़ी में, लोड कितना है उस चीज में, गाड़ी का टायर का प्रेशर कैसा है वो। अब गाड़ी में टायर में प्रेशर अच्छा रहता है, यानी कि अगर गाड़ी का टायर का प्रेशर कम रहता है तो क्या होता है, चक्का पिचक जाता है। अब उससे क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर आप देखिए
गाड़ी अभी अगर हवा भरा हुआ है तो गाड़ी का चक्का कुछ इस तरह से रहता है, और गाड़ी में अगर हवा कम रहेगा तो चक्का कुछ इस तरह से रहता है। तो यहाँ पर इसका कॉन्टैक्ट एरिया क्या हो गया, इसका कॉन्टैक्ट एरिया ज्यादा हो गया, इसमें ये कॉन्टैक्ट एरिया ज्यादा है, इस कारण से क्या होगा, इसमें फ्रिक्शन ज्यादा होगा। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कॉन्टैक्ट एरिया बहुत कम है, ठीक है, तो यहाँ पर फ्रिक्शन कम होगा, इस चीज पर भी डिपेंड करता है। वही केस होता है लोड में, जब लोड ज्यादा आता है तो लोड ज्यादा बहुत ज्यादा अगर ओवरलोडिंग कर देता है तो टायर कुछ इस तरह से होता है, तब भी फ्रिक्शन बढ़ जाता है, और कम लोड रहता है तो इस तरह से रहता है शेप। उसके बाद क्या है, उसके बाद टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर ऑफ टायर, टेम्परेचर ऑफ टायर पे भी वही चीज चलता है कि अगर ज्यादा टेम्परेचर हो गया टायर का या पेवमेंट का, तब तो उसमें क्या होगा, चक्का का शेप चेंज हो जाएगा, जिसके कारण से आपका फ्रिक्शन का मान बढ़ जाता है। जी, फिर होता है लास्ट में टाइप ऑफ स्किड, कि किस तरह का स्किड हो रहा है सरफेस पे, यानी कि किस तरह का स्किडिंग कर रहा है व्हीकल, वो हो गया। अब उसके बाद अलग अलग कर्व बता लिए हैं, ये तो बताया जा चुका है कि हॉरिजॉन्टल कर्व पे कितना होगा, 0.15 होगा लेटरल फ्रिक्शन का, और लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन का मान आपको लिखवा ही दिए हैं। अब बात करते हैं पेवमेंट का अनइवननेस का, ठीक है। अब पेवमेंट का अनइवननेस को मेजर करने के लिए, पेवमेंट का अनइवननेस को मेजर करने के लिए, ठीक है, पेवमेंट अन इवन नेस, ठीक है, पेवमेंट का अनइवननेस को, तो पेवमेंट का अनइवननेस को मेजर करने के लिए हम लोग किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, तो पेवमेंट का अनइवननेस को मेजर करने के लिए हम लोग बम्प इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब पहले पेवमेंट अनइवननेस होता क्या है, पहले ये समझिए, जितना ज्यादा पेवमेंट पे, जैसे कि अब आप एक रोड ये है, ठीक है, जैसे कि एक इस तरह का स्मूथ रोड है, एक थोड़ा इस तरह का रोड है, ठीक है, एक कुछ इस तरह का रोड है, ठीक है, तो अब गाड़ी चलाइएगा तो किसमें ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस होगा, इसमें नहीं थोड़ा साफ आया है, थोड़ा सा यहाँ पर साफ फिगर बनाते हैं, एक ये इस तरह का स्मूथ रोड है, एक थोड़ा सा इस तरह का है रोड, ठीक है, तो गाड़ी चलाइएगा तो इस पे ज्यादा अच्छा से रोड चलेगा, इस पे जो व्हीकल रहेगा उसमें ज्यादा स्मूथ चलेगा, इसमें थोड़ा व्हीकल चलाइएगा तो थोड़ा अजीब तरह का लगेगा, तो इन दोनों का ये क्या है, ये ज्यादा रफ है, ये रफ सरफेस है, ये क्या है, ये स्मूथ सरफेस है, तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका एक तो पेट्रोल का स्मूथ सरफेस पे रोड चलेगा, एक तो व्हीकल अच्छा से चलेगा, आप भी कंफर्टेबल फील कीजिएगा, साथ में आपका तेल का खर्चा कम लगेगा, गाड़ी को कम आपको मेंटेनेंस करवाना पड़ेगा, तो ये फायदा होता है स्मूथ रोड पे। ज्यादा अनइवननेस रोड रहेगा तो उससे क्या होगा, उससे ज्यादा आपको डिस्कम्फर्ट महसूस होगा, ज्यादा तेल का खर्चा लगेगा, व्हीकल का ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ेगा, ये सब चीज होता है, ठीक है, फ्यूल ज्यादा लगता है, ठीक है, एक्सीडेंट होने का चांसेस ज्यादा बढ़ जाता है, तो ये सब चीज होता है इसका, पेवमेंट का अनइवननेस का। तो पेवमेंट का अनइवननेस को मेजर करने के लिए, तो इसको मेजर करने के लिए हम लोग क्या चीज का इस्तेमाल करते हैं, मेजर्ड बाय एन इक्विपमेंट, मेजर्ड बाय एंड इक्विपमेंट, इसको मेजर करने के लिए इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम लोग नोन एज बम्प इंटीग्रेटर, ठीक है, इसको एकदम याद कर लीजिएगा, ये पूछता है कि पेवमेंट का अनइवननेस को मेजर करने के लिए हम लोग कौन सा डिवाइस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा है गेट के, तो यहाँ पर अगर पूछेगा कि पेवमेंट का अनइवननेस को हम लोग किससे मेजर करते हैं, तो हम लोग करते हैं बम्प इंटीग्रेटर से, बम्प इंटीग्रेटर से, बम्प इंटीग्रेटर से हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है, और इससे क्या मिलता है, बम्प इंटीग्रेटर से किस किस में, इन टर्म्स ऑफ बम्प इंटीग्रेटर, इन टर्म्स ऑफ, इन टर्म्स ऑफ अनइवननेस इंडेक्स, अन इवननेस, इन टर्म्स ऑफ अनइवन, अनइवननेस इंडेक्स, इन टर्म्स ऑफ अनइवननेस इंडेक्स, ठीक है, इसको मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, इसको मेजर करने के लिए हम लोग डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं बम्प इंटीग्रेटर,
और ये बम्प इंडिकेटर जो वैल्यू देता है वो किस में देता है, बम्प इंडिकेटर जो वैल्यू देता है वो देता है आपको अनइवननेस इंडेक्स में। बम्प इंडिकेटर जो वैल्यू देता है वो देता है अनइवननेस इंडेक्स पे। तो डिवाइस का क्या नाम है, डिवाइस का नाम है बम्प इंडिकेटर, और जो वैल्यू निकल के आता है बम्प इंडिकेटर तो उसको कहते हैं अनइवननेस इंडेक्स। ठीक है, जितना अनइवननेस इंडेक्स का वैल्यू कम रहेगा उतना ही बढ़िया रहेगा। ठीक है ना, जितना कम से कम अनइवननेस इंडेक्स का वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, इट इज डिजायरेबल टू कीप अनइवननेस इंडेक्स एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो उतना कम इसको अनइवननेस इंडेक्स का वैल्यू को हम लोग को रखना है। ठीक है, अब यहां पर लिखिएगा अनइवननेस इंडेक्स, अनइवननेस इंडेक्स, ठीक है, रोड कंडीशन लिखिएगा। ठीक है, अनइवननेस लिखिएगा और रोड कंडीशन लिखिएगा, रोड कंडीशन। तो अनइवननेस का इंडेक्स का वैल्यू, ठीक है, अगर अनइवननेस इंडेक्स का वैल्यू 150 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर, 150 सेंटीमीटर पर किलोमीटर, ठीक है ना, अगर हमारा अनइवननेस इंडेक्स का वैल्यू 150 सेंटीमीटर पर किलोमीटर से कम है तो हमारा जो रोड का कंडीशन है वो क्या है, गुड है। यानी कि रोड का सरफेस क्या है, गुड सरफेस फॉर हाई स्पीड हाईवे, गुड सरफेस फॉर हाई स्पीड हाईवे। ठीक है, 250 सेंटीमीटर पर किलोमीटर तक रहेगा। ठीक है, अगर 250 सेंटीमीटर अप टू 250 सेंटीमीटर पर किलोमीटर तो सेटिस्फैक्ट्री रहेगा, तब सेटिस्फैक्ट्री रहेगा किसके लिए, अप टू स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर, ग्रेटर देन 350 सेंटीमीटर पर किलोमीटर। ठीक है, वेरी अनकंफर्टेबल, कंसिडर्ड वेरी अनकंफर्टेबल अनकंफर्टेबल फॉर स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर कंसिडर वेरी अनकंफर्टेबल इवन एट फॉर स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर। ठीक है ना, तो अगर 350 सेंटीमीटर पर किलोमीटर से कम स्पीड रहेगा तो वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड के लिए भी वो अनकंफर्टेबल होगा। तो ये कुछ वैल्यूज है, इसको याद रखिएगा। अब उसके बाद आता है लाइट रिफ्लेक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर उसके बाद आता है लाइट रिफ्लेक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अब एक लास्ट टॉपिक क्या है, लाइट रिफ्लेक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है, लाइट रिफ्लेक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, लाइट रिफ्लेक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अब लाइट रिफ्लेक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या चीज है, बिटुमिनस रोड होगा तो गुड होगा डे के लिए, नाइट के लिए बैड होगा। ठीक है,
और जो कंक्रीट का रोड रहेगा, कंक्रीट का रोड रहेगा गुड रहेगा नाइट के लिए, डे के लिए बैड रहेगा, ठीक है। तो लाइट रिफ्लेक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक में क्या होता है, ग्लेयर, ठीक है ना, ग्लेयर का बात होता है और लाइट को सोखने का बात होता है। और एक तो ग्लेयर हो गया, एक हो गया पुअर विजिबिलिटी, ठीक है। दो चीज होता है इसमें लाइट रिफ्लेक्टिंग कैरेक्टर्स में, एक होता है ग्लेयर, एक होता है पुअर विजिबिलिटी। अब बिटुमिनस रोड रहेगा तो बिटुमिनस रोड में क्या हुआ, यानी कि जो आपको जो कलकत्ता का जो रोड बनता है उसका क्या चीज है, उसमें दिन में तो क्या होता है उसका, उसमें उसका अच्छे से वो दिखता है, उसमें किसी तरह का ग्लेयर यानी कि चमक नहीं करता, क्योंकि काला काला रोड रहता है, काला रोड रहता है यानी ब्लैक कलर का रोड रहता है, तो ब्लैक कलर के रोड से किसी तरह का ग्लेयर नहीं आता। मगर अगर आप कॉन्क्रीट का रोड देखिएगा तो कॉन्क्रीट का रोड कुछ हद तक लाइट कलर रहता है, तो उस लाइट कलर के रोड पे क्या है कि जब सूरज का रोशनी पड़ता है तो ग्लेयर यानी कि आंख पे चमक मारता है, तो ये एक दिक्कत करता है कंक्रीट का रोड। मगर अगर क्या बोलते हैं, अगर इसके विपरीत में जाइएगा तो जो कंक्रीट का रोड जो दिन में जो ग्लेयर मार रहा है, ठीक है ना, यानी कि सूरज की रोशनी पड़ रही है तो उससे आपकी आंख पे ग्लेयर आ रहा है, मगर रात में क्या होता है, वही जो कंक्रीट के रोड पे जो आपका हेडलाइट रहता है, हेडलाइट का रोशनी पड़ता है तो आपको साफ दिखता है उस रोड पे अगल बगल का सारा चीज, वो रोड बहुत बढ़िया से दिखता है और नाइट में विजिबिलिटी का दिक्कत नहीं होता। वही चीज क्या होता है बिटुमिनस के रोड में, बिटुमिनस का रोड दिन के लिए तो अच्छा है क्योंकि ठीक है दिन में सूरज का रोशनी पड़ रहा है तो सूरज की रोशनी को सोख ले रहा है और ज्यादा आपकी आंख पे ग्लेयर नहीं ला रहा है। मगर रात के लिए क्या है कि रात में जब आप हेडलाइट ऑन कीजिएगा तो हेडलाइट में जहां तक आपका हेडलाइट है बस उतना ही दूर तक दिखेगा, उसके अगल बगल कोई गाड़ी उड़ी है या कुछ और चीज है वो आपको नहीं दिखेगा, तो वो एक सेफ्टी के लिए दिक्कत करता है। तो ये होता है लाइट रिफ्लेक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो यहां तक अभी हमारा हो गया है। अब हम बात करेंगे क्रॉस स्लोप के बारे में या कैम्बर के बारे में। अब हम बात करेंगे क्रॉस क्रॉस स्लोप के बारे में,